नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आइए हम आज का पहला सवाल लेते हैं जो कि रिलेटिव स्पीड के ऊपर है। जैसे कि हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं और इसी को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहला जो हमारा सवाल है वो ये है कि इसमें दो ट्रेन हैं, एक 100 मीटर लंबी है, ठीक है, और एक दूसरी है 120 मीटर। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है, और एक की स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति आवर और दूसरे की स्पीड है 54, ठीक है। तो इनका कहना है कि ये पहली इसको अगर मान लीजिए और ये दूसरी, तो एक दूसरे को क्रॉस करने में, पहली क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगी, ये इस सवाल में पूछा गया है। तो हम आइए हल देखते हैं इसका। तो हल करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमको रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी, लेकिन रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में दो ट्रेनें चल रही हों तो रिलेटिव स्पीड होती है माइनस, यानी जो ज़्यादा है उसमें से आपको कम को घटाना है। तो 72 माइनस 54 हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति आवर। इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहें मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 से गुणा कर दीजिए तो ये आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड। सॉरी दोस्तों, हिंदी अंग्रेजी मिक्स कर दे रहा हूँ मैं, तो आप इससे कन्फ्यूज ना होइए। आप जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास स्पीड आ गई और दूरी आपको पता है, क्योंकि जब पहली ट्रेन है दूसरे को क्रॉस करने के लिए उसको पहले, तो अगर ये पॉइंट को आप देखिए, ये पॉइंट ए बी और ये सी और डी देख लीजिए, मान लीजिए पॉइंट बी उस ट्रेन का जो हेड है वो इस सी को पहुंचेगा, तो सी से डी पॉइंट बी को ट्रेवल करने में 120 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा, और इस ट्रेन को पूरा इस ट्रेन के आगे निकलने के लिए 100 मीटर और चलना पड़ेगा। तो जो टोटल लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 100 प्लस 120, ये बराबर होगा 220 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से जो टाइम होगा वो होगा 220/5 बराबर 5 चौको 20, 5 चौको 20 यानी 44 सेकेंड, ठीक है दोस्तों। एक सवाल और लेते हैं इसी टॉपिक पे, जिसमें कि इन्होंने कहा है कि दो अलग अलग गाड़ियां हैं, उसमें थोड़ा सा अलग इन्होंने कंडीशन लगाई हुई है, तो आइए देखते हैं। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। एक सवाल यह है कि ये ट्रेन है कोई, ठीक है, इसका इन्होंने लेंथ नहीं दिया हो तो हम एक्स मीटर मान लेते हैं, और इन्होंने कहा है कि इसकी स्पीड जो है 54 किमी प्रति घंटा है, ठीक है, और ये जो है कोई प्लेटफॉर्म है उसकी भी लेंथ आपको नहीं दी हुई है, लेकिन इनका कहना है कि ये जो है वाई लेंथ हम मान लेते हैं, और इसको क्रॉस करने में इस ट्रेन को लगता है 20 सेकेंड, ठीक है। और एक और कंडीशन इन्होंने दिया हुआ है कि इसी डायरेक्शन में 6 किलोमीटर प्रति आवर से कोई आदमी जा रहा है, और उसको जो टाइम लग रहा है इसको क्रॉस करने में वो लग रहा है 12 सेकेंड। तो इन्होंने पूछा है कि ट्रेन की लेंथ क्या है और प्लेटफॉर्म क्या है, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं। सरल सवाल है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सभी सवालों से अब तक जितने हमने हल किए उससे थोड़ा सा अलग है। कैसे इसको करना है? पहला तो एक केस वन मान लीजिए। केस वन में क्या है कि आपकी जो ट्रेन की स्पीड है वो दी हुई है, ठीक है, तो 54 इसको आप मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए तो 18 तिरिक 54 और ये 15 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, ठीक है। केस वन, इस स्पीड से उसको कितना दूरी चलना पड़ेगा जो ट्रेन की लेंथ है प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो टोटल लेंथ केस वन में कितना होगा उसके लिए एक्स प्लस वाई, ठीक है, और इस हिसाब से उसको जो टाइम लग रहा है
टी वन वो होना चाहिए एक्स प्लस वाई बटे 15। ये किसके बराबर है दोस्तों? 20 के। इन्होंने दिया हुआ है जैसा कि, ठीक है, तो ये दिया हुआ है इन्होंने, केस वन का एक क्वेश्चन वन आपने बना लिया, ठीक है। अब सेम केस टू, इसी को हल करना है इसी तरीके से। केस टू क्या होगा? रिलेटिव स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। आप सवाल पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ट्रेन भी सेम डायरेक्शन में और आदमी भी, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप सवाल को ढंग से पढ़ें। तो इसमें क्या होगा, घट जाएगा, जैसा अभी मैंने पिछले सवाल में बताया। तो ये हो जाएगा 48, इसको आप 5/18 से गुणा कर दीजिए तो ये आएगा 40/3। इसको आप हल कर लीजिएगा अपने से, ठीक है। तो अब दोस्तों इसको, ये आपकी स्पीड हो गई फाइनल, इस स्पीड से क्या क्रॉस करना है? लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है? एक्स एक्स बाई 40/33, ये हो गया टी टू, ठीक है। बराबर टी टू कितना दिया हुआ उन्होंने? 12, ठीक है। तो इससे निकलेगा 3x/40=12, 3 चौको 12, तो एक्स जो आएगा आपका 4 चौको 16, 160 मीटर। ये एक्स क्या हो गया? आपकी लेंथ ऑफ ट्रेन, और आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ चाहिए, तो एक्स प्लस वाई बराबर 20/15। इक्वेशन वन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आप 160 यहाँ रख दीजिए, प्लस वाई की वैल्यू यहाँ नहीं पता हमको, और 15 × 2 = 30, ये हो गया 300। इससे आपका वाई निकलेगा 140 मीटर, ये हो गया फाइनल आंसर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए हमारे इस चैनल को। अगर अभी आप तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और ढेर सारे फायदेमंद वीडियो मिलते रहें। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर मुझे बताएं कमेंट के माध्यम से, मैं ज़रूर उसको शामिल करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, शुभ रात्रि।